हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टर राकेश नेचर। और मैं आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देख लिए होंगे दोस्तों पिक में कि मैंने 2018 से जर्नी स्टार्ट किया था इस गार्डन को बेटर लुक देने में। आपके सामने नतीजा है, अब उस समय की बात है। समय जल्दी से बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब देखिए, मैंने यहाँ से हेज लगाना स्टार्ट किया था उस समय। अब देखिए वही गेट है, वही सेम चीज़ है, बस गार्डन का लुक बदला हुआ है सिर्फ। अब वो दो घर दिख रहे होंगे आपको फ़ोटो में, देख रहे हैं यही गार्डन है। अभी भी मैं सीख रहा हूँ कि कौन सा पौधा कहाँ लगाऊँ, कि मतलब किस एंगल पर लगाऊँ अच्छा लगे। कोई भी आए इस गार्डन में तो मोह जाए उनका मन, मतलब इस गार्डन को देखकर। अब देखिए, दूसरे पिक में जो मैंने दिखाया था पहले बिफोर में, तो वहीं मतलब वहीं से एंगल से मैंने वीडियो शूट किया हूँ अभी का। तो देख रहे हो दो पेड़ वहाँ पर भी दिख रहे हैं, खाली खाली जगह लग रहा है। अब तो भर गए, पूरे हरियाली छाई हुई है बरसात की वजह से। ये दोस्तों गेट के अपोजिट साइड से मैंने ले रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी का वीडियो है, देख रहे हैं। अब ये देखिए तीसरे एंगल का वीडियो है। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये ग्रास भी उग गए हैं अब तो। अब वो छोटा सा स्टोर है, पहले कुछ भी नहीं था। तो यही है दोस्तों, देखिए गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है। ये फोर्थ एंगल पे मैंने शूट किया था, जो फोर्थ पिक जो मैं लास्ट में बिफोर आफ्टर वाली थी। ये चांदनी अब तो पहले छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया 3 साल में, देख रहे होंगे आप। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, उधर से वाल भी दिख नहीं रहे होंगे दीवार के, अब तो कसोक लग गया है पूरी तरह से। दोस्तों अगर मनुष्य के जीवन में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो एक जैसे जीवन अधूरा सा लगता है, उसी तरह आज मैंने भी मतलब गार्डनिंग उसी समय मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत पेड़ पौधे से बहुत लगाव था। आप देख रहे हैं, जैसे इस गार्डन देख सकते हैं आप। दोस्तों पिछले साल जो कोविड महामारी आया था, अभी भी चल ही रहा है महामारी एक तरह से कह सकते हैं, तो इंडिया में उसके चलते कितने ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गया था। बहुत लोग अपनी जान ऑक्सीजन के बिना गंवा दिए। तो ये पेड़ पौधे दोस्तों एक तरह से मुझे हम लोग को फ्री में ही दे रहे हैं, हम लोग को जीवन चला रहे हैं। इन पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन चल रहा है, और ये कुछ लेते नहीं हैं, सिर्फ देते ही हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो गया, चाहे वो फल हो गया, और हमारे जीवन में रंग भरते जा रहे हैं। दोस्तों मैं जब भी नर्सरी जाता हूँ तो पौधे ज़रूर लाता हूँ, चाहे वो आम का हो गया, चाहे कटहल का हो गया। तो जब भी जाता हूँ तो पौधे लगाता हूँ भी हूँ अपने गार्डन में। आप मेरी इस वाले गार्डन में देख लीजिए, ये भी ग्रीनरी से भरपूर रहता है हमेशा। मैं पौधे लगाता रहता हूँ, और मैं अपने घर वाले भी बगीचे में आगे पीछे हमेशा पेड़ लगाता हूँ। तो दोस्तों मुझे आपसे यही कहना था कि आप लोग भी पेड़ पौधे लगाइए अपने घर को, आंगन में, चाहे बरंडे को सुंदर बनाइए पेड़ पौधों के साथ। और अच्छा भी लगता है अगर किसी के घर पे मतलब देख के मन खुश हो जाता है, उसे मोटिवेट मिलता है कि मैं भी क्यों ना लगाऊं। तो आप लोग भी इतना सुंदर मतलब लगाइए पेड़ पौधे कि मतलब कोई दूसरा भी देखे तो उसके मन में भी जिज्ञासा उठे कि हम भी पेड़ पौधे लगाएं। इससे क्या होगा कि मतलब एक तो प्लांटेशन का वो मतलब बढ़ेगा, और एक तो इंडिया में इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कि पेड़ पौधे ज़्यादा तो बच ही नहीं रहे। देख रहे दोस्तों, मैंने तो वो देखिए कितने अशोक में पेड़ लगा, आप ही लगाइए, चाहे आम का भी हो गया, चाहे कोई सा भी छोटा सा भी पेड़ लगाए। दोस्तों ये ऐसा ही नहीं कि आम का मेरे पास जगह नहीं है, तो आप छोटा ही पेड़ गमले में लगाइए, कहीं भी लगाइए, जरूर से जरूर लगाइए, छतों पे लगाइए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखा मैंने, आपने देखा मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट किया था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके बाय।